पर हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी नजर आ रही है। राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में जिला बीजेपी अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं मिला, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी दो गुटों में नजर आ रही है, ये माना जा रहा है। 21 जनवरी को बादशाहपुर में राव इंद्रजीत का सम्मान समारोह होना है। पोस्टर बैनर से जिला पदाधिकारी का फोटो भी गायब मिला। राव नरबीर और राव इंद्रजीत की आपसी लड़ाई का ये नतीजा नजर आ रहा है, और ये लड़ाई पहली बार सामने नहीं आ रही है। राव नरबीर और राव इंद्रजीत पिछले कुछ दिनों में भी सुर्खियों में रहे थे, तब भी इनके बीच आपस में तनातनी देखने को मिली थी, और जिस तरीके से अब गुटबाजी नजर आ रही है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बीजेपी के नेता के सम्मान समारोह में दूसरे बीजेपी नेता को आमंत्रण या निमंत्रण नहीं मिला। यहां तक कि पोस्टर बैनर से भी जिला पदाधिकारी का फोटो तक गायब है। इस बात से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर भी अब गुटबाजी चल रही है। हालांकि विपक्ष को मौका मिल रहा है निशाना साधने का, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है कि गुटबाजी ही नहीं संभल रही है और इसी वजह से क्राइम बढ़ रहा है। हरियाणा बीजेपी में गुटबाजी सामने आ रही है। राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में जिला बीजेपी अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं मिला, जिससे उनके समर्थकों में खासी नाराजगी है, और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हरियाणा में बीजेपी की जो कहीं ना कहीं उथल पुथल होती हुई नजर आ रही है, राव नरबीर और राव इंद्रजीत की जो आपसी लड़ाई है उसका नतीजा शायद यहां पर देखने को मिल रहा है। मौका मिल सकता है विपक्ष को इसको भुनाने का, क्योंकि खुद बीजेपी इस चीज के मौके दे रही है। हालांकि दोनों में से ही किसी का औपचारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अंदर की जो कलह है वो कहीं ना कहीं जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है। जब किसी एक के सम्मान समारोह में दूसरे को न्योता ना मिले तो लाजमी हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। सुशील सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, हरियाणा बीजेपी में भी अब गुटबाजी नजर आने लगी है। कहीं ना कहीं अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था अशोक तंवर और हुड्डा को लेकर, लेकिन अब बीजेपी में भी यही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, इससे पहले भी गुटबाजी और खेमेबाजी नजर आ चुकी है और उसमें तख्ता पलट की भी बात हुई थी, लेकिन अब एक बार जो सम्मान समारोह है रविवार को गुरुग्राम के बादशाहपुर में, वहाँ पे किसी भी बीजेपी पदाधिकारी को या जिलाध्यक्ष को समारोह में न्योता नहीं दिया गया है, उनको सूचना नहीं है और ना ही पोस्टर बैनर पे उनके होर्डिंग्स लगे हुए हैं।